हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरीलरू नीके बरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरीलरू नीके बरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जिन महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति हैं, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए, शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक इंदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सरीलरू नीके बरू नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान कु सरियाना आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त
वाइस को सीरियलरों उनके वाली हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड वाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सीरियलरों के वालों ने पहले दिन कुल 680 मतलब 68 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में नई बब के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरीलरू नीके वरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरीलरू नीके वरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में हैं महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक येदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरू नीके वरू नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी गीत के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी
प्रतीक है। वही बात करें उनके होम एरिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए हैं, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामिन की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन्स के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान कुम सरियानम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सीरियल केवल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पॉइंट्स टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर राजे कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सीरियल केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महिभव के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरीलरू नीके बरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरीलरू नीके बरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जिन महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया, जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में हुई शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भरतीन के रूप में
विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर, संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक इंदुलाम नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद मोहित बाबू को सिरिलरू निकीवरू नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 30.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरू केवल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड माइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सिरिलरू केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरिलरू निकीवरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरिलरू निकीवरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति हैं, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया, जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए, शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2000
50 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक इंदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को श्रीलरू नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी गीत के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 30.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान पुम सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को श्रीलरू के वाली हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम बॉक्स ऑफिस के बारे में तो श्रीलरू केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मशीन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है श्रीलरू नीकेवरू।
इस फिल्म से जुड़े जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरी लरुन निकी वरुण एक 2022 विस्किन भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश पर क्रिएशन जी महेश बाबू इंटरटेनमेंट और एके इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलू ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में हैं महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भरती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक येदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरू निकी वरुण नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन्स के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरू वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पॉइंट्स टीवी
चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर राजे कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो श्रीलरू निकेवल ने पहले दिन कुल 680 मतलब 68 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में मई बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है श्रीलरू निकेवल। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीलरू निकेवल एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जिन महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में हुई शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक येदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को श्रीलरू निकेवल नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में, तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिसने 23 साल बाद उनकी वापसी की। तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मेड के बारे में, तो फिल्म के उपग्रह अधिकार
जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामिन की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 30.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन के बारे में, तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को श्रीलरों केवल वाले ही हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर राजे कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो श्रीलरू निकेवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है श्रीलरू निकेवलु। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीलरू निकेवलु एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जिन महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति हैं, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया, जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मेजर अजय कृष्ण एक के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका, और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक
इंदुलाम नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरुम निकिवरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी गीत के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरुम केवल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सिरिलरुम केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ महर्षिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरिलरुम निकिवरुम। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरिलरुम निकिवरुम एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए, शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और
एक्शन दूसरों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का काम उद्देश्य पटकथन और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्णन के रूप में हैं महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाराम अजय की प्रेमिका और भक्ति के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक येदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरू निकीवरू नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन्स के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान कुम सरियानम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरू वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सिरिलरू निकीवरू ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरिलरू निकीवरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरिलरू निकीवरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की
एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश फॉर क्रिएशंस जिन महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में हुई शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक हेदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरु निक्कीवरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिसने 23 साल बाद उनकी वापसी की। तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान कुम सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरु केवल वाली हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था।
वही बात करें मूवी के होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो सिरिलर उनके वरुण ने पहले दिन कुल 680 मतलब 68 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सिरिलर उनके वरुण। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिरिलर उनके वरुण एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जिन महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति हैं, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मेजर अजय कृष्णन एक के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका, और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराजम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक हेदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलर उनके वरुण नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में, तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर
पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 30.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन के बारे में, तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरियाना आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरों केवल वाली हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्णा और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो सिरिलरों केवल ने पहले दिन कुल 680.68 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में मई बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरिलरू नीके बरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरिलरू नीके बरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू इंटरटेनमेंट और एके इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मेजर अजय कृष्णन के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भरती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक इंदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो
कई अटकलों के बाद महेश बाबू को श्रीलु निकी गुरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और बंदला गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन्स के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान पून सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को श्रीलु केवल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर राजे कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो श्रीलु केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ महर्षि 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है श्रीलु निक्की बरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीलु निक्की बरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश फॉर क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया, जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की
थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्णन एक के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भक्ति के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक हेदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को श्रीलू निकी गुरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन्स के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरियाना आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को श्रीलरू के वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो श्रीलरू केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है श्रीलरू निक्कीवरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीलरू निक्कीवरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश
फॉर क्रिएशन जिन महेश बाबू इंटरटेनमेंट और एके इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया, जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक इंदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को श्रीलूम निकी गुरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को श्रीलरू केवल वाली हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो श्रीलरू केवल ने पहले दिन कुल
680 मतलब 68 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरीलरु नीके बरु। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरीलरु नीके बरु एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्णन एक के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भरती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक इंदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सरीलरु नीके बरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी गीत के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और बंदला गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्म 23
34 बुकिंग TRPM दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार Amazon प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन्स के बारे में, तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरियानाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरों केवल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पॉइंट्स टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो सिरिलरों केवल ने पहले दिन कुल 680.68 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में मई बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरिलरू नीके बरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरिलरू नीके बरू एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में हुई शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग। पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मेजर अजय कृष्ण एक के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भक्ति के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक येदुलाम नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरू नीके बरू नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में
घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 30.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सीरियल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सीरियलर केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरीलरू नीके बरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरीलरू नीके बरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू इंटरटेनमेंट और एके इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया, जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस
टेकिन होटल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्णन के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक इंदुलाम नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरू निकीवरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिसने 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी गीत के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 30.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरू केवल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पॉइंट्स टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्णन और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सिरिलरू केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरिलरू निकीवरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरिलरू निकीवरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय
शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया, जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में हुई शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्णन एक के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भरती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक हेदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को श्रीलू निकी गुरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदला गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन्स के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरियाना आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को श्रीलंका के वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पॉइंट्स टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो श्रीलंका केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ महर्षि
59 करोड़ की सफल कमाई को पीछे दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरी लरू नीके बरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरी लरू नीके बरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश फॉर क्रिएशंस जिन महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण एक के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक येदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरू नीके बरू नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी गीत के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मेड के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा
अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब वर्जन के बारे में, तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को श्रीलर केवल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो श्रीलर केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है श्रीलर केवलम। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीलर केवलम एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जिन महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति हैं, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया, जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका, और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराजम के रूप में संस्कृति की माँ है, और विधायक इंदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को श्रीलर केवलम नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को
आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी गीत के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरू केवल वाली हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पॉइंट्स टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्णा और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सिरिलरू केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरिलरू निकेवरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरिलरू निकेवरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया, जबकि आर रत्नावेलू ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए, शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने
37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की इकतालीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू, और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका, और भरती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है, और विधायक इंदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को श्रीलू निकी गुरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया, और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन्स के बारे में, तो फिल्म को डब किया गया, और 2020 में इवान को सरियाना आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरू वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पॉइंट्स टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो सिरिलरू केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की, और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले, उसका नाम है सरीलरू निक्की वरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरीलरू निक्की वरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं।
देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचकों का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक यदुलाम नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी गीत के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरियानाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरु के वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सिरिलरु केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पीछा दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में
200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरीलरू नीके बरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरीलरू नीके बरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति हैं, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचक का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भर्ती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराजम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक इंदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सरीलरू नीके बरू नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था, जिसने 23 साल बाद उनकी वापसी की। तमन्ना को एक पार्टी गीत के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें उनको कि डब्स वर्जन्स के बारे में तो
फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान कुम सरियानम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरुन केवल वाली हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सिरिलरुन केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में मई बाप के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरिलरू नीके वरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरिलरू नीके वरू एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश और क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवीश्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए। शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 260 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्ण एक के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भरती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक येदुला नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरू नीके वरू नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए
विजय शांति को साइन किया गया था, जिससे 23 साल बाद उनकी वापसी की तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्मों में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए, जिसने 25 मार्च 2020 को उगम की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन्स के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलर केवल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पॉइंट्स टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर राजे कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सिरिलर केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महिभाव के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सरिलरू नीके बरू। इस फिल्म से जुड़े जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरिलरू नीके बरू एक 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़े ने लिखा और निर्देशित किया है। यह श्री वेंकटेश फॉर क्रिएशंस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में महेश बाबू, रश्मिका मंदाना और विजय शांति है, जबकि प्रकाश राज और राजेश प्रसाद सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। देवी श्री प्रसाद ने संगीत तैयार किया जबकि आर रत्नावेलु ने छायांकन संभाला। उत्पादन 31 मई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए, शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में हुई शुरू हुई और नवंबर 2019 के मध्य तक चली। फिल्म 11 जनवरी 2020 की संक्रांति के साथ दुनिया भर में 2050 स्क्रीन पर रिलीज हुई। 75 करोड़ के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपने हास्य प्रदर्शन, सिनेमाटोग्राफी और एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन आलोचका का उद्देश्य पटकथा और अत्यधिक लंबाई की थीम और फिल्म व्यावसायिक रूप से अधिक कमाई करने से सफल रही। दुनिया भर में 207 करोड़ बॉक्स ऑफिस टेकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म ने 37 करोड़ की कमाई की, जिससे यह दुनिया भर में 2020 की 41वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली
फिल्म बन गई थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मेजर अजय कृष्णम के रूप में है महेश बाबू और संस्कृति के रूप में रश्मिका मंदाना अजय की प्रेमिका और भरती के रूप में विजय शांति मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर। संगीता स्वराज्यम के रूप में संस्कृति की माँ है और विधायक इंदुलाम नागेंद्र के रूप में प्रकाश राज एक भ्रष्ट मंत्री है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो कई अटकलों के बाद महेश बाबू को सिरिलरु निकिवरु नाम की फिल्म के मुख्य नायक के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का उद्घाटन समारोह 31 मई 2019 को आयोजित किया गया था। वही बात करें उनकी कास्टिंग के बारे में तो रश्मिका मंदाना को महेश बाबू के साथ फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए विजय शांति को साइन किया गया था जिसने 23 साल बाद उनकी वापसी की। तमन्ना को एक पार्टी के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कई वर्षों के बाद फिल्म में संगीत और वंदना गणेश की वापसी का भी प्रतीक है। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के उपग्रह अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए जिसने 25 मार्च 2020 को उगामी की पूर्व संध्या पर पहली बार इसका प्रीमियर किया और अपनी पहली टेलीविजन प्रीमियर फिल्म को फिल्में 23.4 की टीआरपी दर्ज की। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और 1 मार्च 2020 में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराए गए थे। वही बात करें मूवी को कि डब वर्जन के बारे में तो फिल्म को डब किया गया और 2020 में इवान को सरिया नाम आल इल्ले के रूप में तमिल में रिलीज किया गया था। तमिल संस्करण को तमिलनाडु के 200 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 2022 को सिरिलरु केवल वाले हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर गोल्ड पाइंस टीवी चैनल पर किया गया था। फिल्म को कन्नड़ में मेजर अजय कृष्ण और मलयालम में कृष्णन के रूप में भी डब और रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होममेड बॉक्स ऑफिस के बारे में तो सिरिलरु केवल ने पहले दिन कुल 680 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में महेश बाबू के पिछले सर्वश्रेष्ठ मार्शिन 59 करोड़ की सफल कमाई को पिछड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 100 करोड़ और 10 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। 50 दिन तक चलने के बाद फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ से अधिक की कमाई की और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।